टेक्निकल 021 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मीडिया फाइल का यूज गूगल ड्राइव की तरह ही होता है। जैसे गूगल ड्राइव में आप अपनी कोई भी फाइल को सेव रख सकते हो, उसी तरह ही मीडिया फाइल में भी आप अपनी कोई भी फाइल को सेव रख सकते हो। और मीडिया फाइल में आप कोई भी फाइल को अपलोड करके उसकी लिंक यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जैसी सोशल मीडिया पर आप शेयर भी कर सकते हो। और मीडिया फाइल में आपको 10 GB तक की फ्री स्पेस मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना मीडिया फाइल अकाउंट कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्राउन ब्राउजर को ओपन करना है। उसके बाद सर्च बार में हमें लिखना है मीडिया फाइल, उसको सर्च करना है। तो यहाँ पर मीडिया फायर की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर नीचे मीडिया फायर की एप्लीकेशन, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है www.mediafire.com, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो साइन अप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा है $3.75 में 1 TB यानी 1000 GB स्पेस 1 मंथ के लिए मिलती है। और यहाँ नीचे जाओगे तो बिजनेस के लिए 100 यूज़र $40 में 100 TB 1 मंथ के लिए मिलती है। फिर यहाँ पर नीचे बेसिक 10 GB स्पेस प्रीमियम मिलती है। तो यहाँ पर गेट बेसिक पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने पहले कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब नया अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। तो मैं लिखता हूँ, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी लगानी है, उसके बाद यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड लगाना है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ न्यू मीडिया फायर अकाउंट। आप अपना मीडिया फायर अकाउंट किस लिए बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पर्सनल, एजुकेशन या वर्क के लिए। तो मैं यहाँ पर वर्क सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हाउ डू यू प्लान टू यूज़ योर न्यू अकाउंट। आप अपना अकाउंट यूज़ करने के लिए कौन कौन सी योजना बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पर लिखा है आई हैव रीड एंड अग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, उस पर टिक करना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट, उस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मीडिया फायर अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मीडिया फायर अकाउंट में कुछ वीडियो, डॉक्यूमेंट फाइल कैसे अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही टेक्निकल के लगते वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।